यूरोप ने चीन की बढ़ती निरंकुशता को ब्रिटेन के मूल्यों और उनके हितों के लिए बड़ी चुनौती बताया, कहा कि चीन के साथ ब्रिटेन के संबंधों का सुनहरा युग खत्म हो गया है। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट मनाएंगे पार्टी, एलन मस्क ने भेजी ट्रीट, आइसक्रीम में कैंडी और मिठाइयां खाएंगे वैज्ञानिक, एलन मस्क ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भेजी बेहतरीन डिशेस। अंबिकापुर में प्रेस क्लब को आवंटित भूमि में भ्रष्टाचार मामले में पत्रकारों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सरगुजा पत्रकार संघ ने कार्रवाई की मांग की। मैक्रोनी तैयार होने में लगे 3.5 मिनट से ज्यादा, महिला ने फूड कंपनी पर ठोका 40 करोड़ का मुकदमा, महिला ने क्राफ्ट हैंज नाम की फूड कंपनी पर ठोका केस। हवे में नदी किनारे मिट्टी धंसने से 3 मासूम दबे, 1 की मौत, 2 के सुरक्षित निकाला गया। बड़रिया के पास हीरापुर की घटना, शराब की मांग को लेकर युवक खंभे पर चढ़ा, शराब देने की मांग करता रहा, पुलिस ने शराब देकर नीचे उतारा। टीकमगढ़ में विवाहिता की मौत 2 साल पहले हुई थी, शादी परिजनों ने प्रताड़ित कर गला दबाकर मारने का लगाया आरोप, पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग। रिवरफ्रंट घोटाले की सीबीआई जांच पर शिवपाल सिंह यादव बोले, कराया नियमानुसार और अच्छा काम। भोपाल में श्रद्धेय दत्तोपंत ठेगड़ी स्मृति व्याख्यान माला कार्यक्रम, सीएम शिवराज सिंह व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हुई शामिल, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गुजरात में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मार्च 2024 तक एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस का होगा मर्जर, सिंगापुर एयरलाइंस के बोर्ड ने टाटा सन्स के साथ इस सौदे के लिए दी मंजूरी। केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, भाजपा को बताया वीडियो बनाने वाली कंपनी। आरडब्ल्यूए को बनाएंगे मिनी पार्षद, एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में संशोधन, अब 2 से लेकर 7 साल तक की सजा निर्धारित, कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पेश। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का आज भी हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट, जल्द पुलिस को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दलितों और अल्पसंख्यकों को लेकर किया बड़ा ऐलान, कहा कि यदि उनकी पार्टी एमसीडी की सत्ता पर काबिज होती है तो उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी। इजरायली फिल्मकार पर भड़के मध्य प्रदेश के गृहमंत्री, बोले फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्मकार नदब लापित की प्रतिक्रिया निंदनीय। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर श्रीमती नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा आदरणीय खड़गे जी, प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामय पद होता है, आपको देश क्षमा मांगनी चाहिए। भारत और अमेरिका के सशस्त्र बलों के बीच सैन्य अभ्यास, 15 दिनों तक ये साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। उत्तराखंड के ओली में चीन सीमा के पास सैन्य अभ्यास। 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में होगा खेल पुरस्कारों का वितरण, राष्ट्रपति द्रौपदी खिलाड़ियों को देगी पुरस्कार, खेल मंत्रालय ने 14 नवंबर को किया था ऐलान। उसे जूते खाने की आदत है, कश्मीर फाइल्स पर बयान देने वाले लेपिड पर भड़के अनुपम खेर, बातचीत में उन्होंने दिमागी रूप से बीमार बताया। बात टब में विक्की कौशल और कियारा आडवाणी का रोमांस, बोले जो तूने पिलाई हुआ शराबी, टीजर को विक्की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया शेयर। मां बनने के बाद से बेहद खुश हैं आलिया भट्ट, बेटी राहा के नाम की तारीफ सुनते ही आलिया भट्ट बोली बहुत अच्छा है, अपनी बहन शाहीन भट्ट के जन्मदिन पार्टी में आई नजर। शेयर बाजार में धूम, सेंसेक्स ने बनाया नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स 62,681 अंक पर हुआ बंद। सस्पेंस से भरा है तापसी पन्नू की ब्लर कट ट्रेलर, G5 पर होगी स्ट्रीम, फिल्म का निर्माण तापसी पन्नू ने किया है।